गाइस मेरे पास है फैट बाइक, फ्रंट में भी सॉकर है, यहाँ भी सॉकर है, 21 गियर दिया है इसमें। इतना मोटरसाइकिल में गियर नहीं देते भाई, लेकिन चला चला के हालत खराब हो गई। साला चक्का खींचने में हालत खराब हो जा रहा है। फैशन के लिए मोटा चक्का तो ले लिया, लेकिन बहुत मेहनत इस तकलीफ को दूर किया जाए। पैंडल मारने का झंझट हटाना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं जो एक्सेलेटर ऐसे ले और हमारी साइकिल आगे बढ़े। तो एक्सेलेटर का इंतजाम किया गया, इसको बनाएंगे इलेक्ट्रिक साइकिल। इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के लिए हमारे पास कुछ सामान खरीदना होता है, रिसर्च किए क्या क्या मिलना चाहिए, तो पूरा सेटअप मिलता है। सारा सामान खरीद लिया गाइस, बैटरी है 30 किलोमीटर का रेंज बता रहे हैं, मोटर है हमारे पास 250 वाट 36 वोल्ट, इसको फिट करना है, साथ में लाइट भी दिया है, अंधेरा में चलाने में दिक्कत नहीं होगा। और ये एक्सेलेटर है, कंट्रोल बॉक्स है, ये स्पोक लगाना है हम लोगों को, पीछे के चक्के में नहीं लगाएंगे क्योंकि पीछे के चक्के में गियर सिस्टम है, गियर सिस्टम को खोल के उसके ऊपर माउंट करना बहुत झंझट हो जाएगा, फ्रंट के चक्के में लगा देते हैं इसको। इसमें चक्का पहले खोल लेते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया चक्का अलग, अब इसी में सारी फिटिंग की जाएगी। पहले इसको डिस्क को निकाल लेते हैं गाइस, ये तो काफी हल्का है। हम लोगों को ये इसको खोल के ये वाला लगाना है ताकि इसमें मोटर फिक्स हो सके, इसके साथ सेटअप आया हुआ है। अंदर ट्यूब के प्रोटेक्शन के लिए एक तीन अगर को निकाल लेते हैं, आराम से निकल गया। जो स्पोक मोटर के साथ आया था उसको लगा के पागल हो गए लगाने, जो ओरिजिनल स्पोक था जो साइकिल के साथ आया था वही वाला इसमें फिट हुआ। बहुत दिमाग खराब हुआ भाई, सबसे मुश्किल काम स्पोक फिटिंग। तो हमारा चक्का हो गया रेडी, अब इसको हम फिट करेंगे और कुछ नहीं बचा है, बस बैटरी फिट करना है, कनेक्शन करना है, एक्सेलेटर लेना ही करना है। डिस्क ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मोटर वाला चीज हो ना भाई, नॉर्मल स्पीड नहीं होती, काफी स्पीड होती है, तो आपको डिस्क ब्रेक का इंपॉर्टेंस तो पता ही होगा। और हम क्या कर रहे हैं, मोटर जो है वो आगे वाले चक्के में लगा रहे हैं। मोटर वाला चक्का लग गया था उनका, अब कंट्रोल बॉक्स उसको लगाएंगे, हेडलैम्प लगाएंगे और इसको एक्सेलेटर को फिक्स करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यही तीन चीज रहेगी और अब तक भाई इसमें ना तो बैटरी फिट हो रहा है, हाँ देखो, ना तो टूल बॉक्स के लिए जगह है, किसी तरह से हैंडल में फिट किए, सोचे कि यहाँ फिट करेंगे यहाँ फिट करेंगे, चौड़ा है थोड़ा। फैट बाइक के लिए गियर वाला साइकिल है तो हम इसका ब्रेक भी नहीं खोल सकते, यहाँ पर लगा हुआ है गियर और इसके ऊपर हम माउंट कर दिए, तो जुगाड़ तो कर दिए, पूरा देसी जुगाड़ हुआ है, चलेगा जरूर। कनेक्शन हो गया है, एक्सेलेटर लेंगे, चक्का घूमेगा, गाड़ी हमारी चलेगी, लेकिन देख के मत बोलना कि टूल बॉक्स हैंडल में क्यों लगा दिया और बैटरी को टेढ़ा क्यों लगाया। सेटअप तो हो गया गाइस, ऑन किया, बैटरी मीटर दिखा रहा, इसको सेलो टेप से तार को साटे ताकि हिले नहीं, और बैटरी को भी जुगाड़ हो गया है। अगर हम हॉर्न दिखाए, हॉर्न भी बज रहा है और लाइट भी, राइट अच्छा हो रहा है, राइट है ना, ओके। ब्रेक से मोटर कट ऑफ हो जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट वाले ब्रेक से हो रहा है, राइट वाले ब्रेक से चेक करते हैं, हाँ इसे भी कट ऑफ हो रहा है। गई मेरी साइकिल और ये लगा दिया 360 कैमरा, अब करते हैं टेस्ट ड्राइव। No!
जबरदस्त एक्सपीरियंस। बिना पेंडल मारे अगर कोई आपकी साइकिल चल जाए तो अलग ही मजा है नहीं। अच्छा इसमें क्या है ना कि थ्रॉटल जो है सडन नहीं होता, थोड़ा सा आपको ग्रेजुअली थोड़ा सा लगेगा, 3 सेकंड लगेगा पिकअप पकड़ने में। तो पहले स्टार्ट नहीं होता, एक्सेलेटर लो, धीरे से आगे बढ़ेगा, फिर पिकअप पकड़ लेता। बेसिक स्पीड है, कहीं अगर आपको शॉर्ट कम्यूट करना है बेस्ट। इलेक्ट्रिक साइकिल से रिलेटेड और बहुत सारी क्रेजी वीडियोस आने वाली हैं, अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फॉलो कर लो, और आपके मन में अगर कोई क्रेजी आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ।